नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जू जंक्शन पे। तो दोस्तों, अभी हम खड़े हैं प्रयागराज के बहुत ही फेमस गार्डन जिसको बोलते हैं खुसरू बाग। तो हमारे साथ हेमंत भाई भी आए हैं और इस समय हम लोग खड़े हैं खुसरू बाग के मेन गेट के सामने जो कि स्टेशन की साइड पड़ता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं खुसरू बाग। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं ये खुसरू बाग का मुख्य गेट है जो कि इलाहाबाद स्टेशन की साइड का है। तो चलते हैं अंदर। तो अभी हम लोग एंट्री करके आ गए हैं गेट के अंदर और सामने कुछ ऐसा नज़ारा है। तो सामने देख सकते हैं कुछ ऐसा सीन है, चारों तरफ हरियाली हरियाली। ऐसे रास्ते हैं, देख सकते हैं ये पत्थर के रास्ते बहुत ही खूबसूरत हैं। और ये बगल बगल ये किस चीज़ का पेड़ है हेमंत भाई? ये तो कंफर्म नहीं हमको ये किस चीज़ का है। ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, कमेंट करिएगा किस चीज़ का ये पौधा है। और धूप बहुत तेज़ है। तो भाई, दोपहर के 2 बजे हैं और धूप बहुत तेज़ है और अभी पार्क में ज़्यादा लोग नहीं हैं, सन्नाटा है। तो चलते हैं आगे साइड और आपको दिखाते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो एक रास्ता ये जाता है और एक रास्ता ये जाता है। तो सामने का व्यू बहुत प्यारा है, तो चलिए आपको दिखाते हैं। मैं सामने जो दृश्य है आपको दिखाने वाले हैं बहुत ही ज़बरदस्त है, तो चलिए आपको दिखाते हैं। आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर वीडियो को। तो देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये सीन है। जैसे देख रहे हैं बहुत ही गजब का है, मन खुश हो गया यहाँ आके। और देख सकते हैं कितने अगल बगल ये लंबे लंबे पेड़ और बीच में रास्ते खूबसूरत। यहाँ आप फोटोग्राफी वगैरह करा सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त आएगी। और हम भी अभी यहाँ फ़ोटो सेशन करवाएंगे और वीडियो भी बनाएंगे और रील भी बनाएंगे जो आपको मेरे इंस्टा के आईडी पे देखने को मिलेगी। तो चलते हैं आपको आगे। फर्स्ट टाइम आया हूँ और मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। हेमंत भाई कैसा लग रहा है? भाई मैं तो आ चुका हूँ फिलहाल, अच्छा तो हमेशा ही लगता है, लेकिन अब खूबसूरती और बढ़ गई है। तो चलते हैं आगे। तो दोस्तों, अभी आप मेरे पीछे देख रहे हैं एक खुसरू बाग का मकबरा है, तो बहुत ही खूबसूरत है। इसके बारे में पूर्ण जानकारी अभी आपको हम दिखाते हैं, तो चलिए आप। तो आप इसको वीडियो को रोक के आप पढ़ लीजिएगा, इसकी पूरी जानकारी आपको इसमें लिखी हुई है। तो यहाँ 3 मकबरे बनाए गए हैं। तो ये खुसरू बाग का मकबरा, ये निसार बेगम का मकबरे के बारे में पूरा बताया गया है, और ये शाह बेगम का मकबरा है, इसके बारे में पूरी जानकारी है। तो वीडियो को रोक के पूरा पढ़ लीजिएगा। अब चलते हैं अंदर गेट के और आपको मकबरा दिखाते हैं। देख सकते हैं ये मकबरा है खुसरू बाग का, ये एक और मकबरा है, उसके पीछे एक और है। तो पूरा पत्थर का बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत है।
मेरे पीछे आप जो सीन देख रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त है। इधर देख सकते हैं एक मकबरा है और लाइन से चार मकबरे हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं, देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। पत्थर का बना हुआ है, सनलाइट पड़ रही तो एकदम खिल के आ रहा है। तो दोस्तों हमने आपको चारों टॉम्ब दिखा दिए हैं और बहुत ही खूबसूरत सीन है। और पार्क में पूरा सन्नाटा ही है, दोपहर का वक्त है। बस अब चल रहे हैं हम लोग, वीडियो को इतना ही। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धूप बहुत तेज़ है तो चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय श्री राम।